जो कल ही आया है। चलिए दिखाते हैं आपको। कैमरे को बैक कर देते हैं। चलो मैं अपने साथी दिखा देती हूँ, ठीक है? ये देखो, आपको ये बड़ा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, ये है ये डिजिटल टीवी है। ये जो कल ही आया है हमारे घर में नया टीवी, क्योंकि हमारा छोटा वाला क्या वो गुस्सा आ गया, टूट गया, बंद हो गया। और ये है इसका थर्माकोल, इससे मैं बहुत सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ। और ये बॉक्स यहाँ रखा है, अभी इस बॉक्स को सेट करना आएगा मुझे। और इस थर्माकोल से भी मेरे को कुछ ना कुछ बनाना आएगा, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। मैं ये मेरे बहुत काम की चीज़ें होती है। और चलो मैं आपको अपना बड़ा वाला टीवी दिखाती हूँ, एक सेकेंड। तो चलो हम दूसरे रूम में आ गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना बड़ा सा टीवी जो कल ही आया है। चलिए दिखाते हैं आपको। कैमरे को बैक कर देते हैं। चलो मैं अपने साथ ही दिखा देती हूँ, ठीक है? ये देखो, ये दिखा आपको, थोड़ा थोड़ा से धूल से अब दिखा, अब दिखा, अब दिखा। सिंक चैन चल रहा है, ठीक है? क्योंकि अगर मैं पास लेके जाऊंगी ना तो आपको बहुत तेज सा लगेगा ये, है ना? तो मैं इसको थोड़ा और नज़दीक लेके जाती हूँ, ये देखो और नज़दीक। अभी मैंने इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा म्यूट कर रखा है, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा ना। ये देखिए ऐसा आ जाते हैं, ये देखिए, देखिए, देखा देखा आपने, ये है हमारा नया टीवी। और ये देखिए, ये वाला, ये वो छोटा वाला टीवी है जो ख़राब हो गया था ना, ये देखो ये रहा। इसको मैंने पूरा कवर करके रख दिया है। और देखो, वन सेकेंड, देखो ये इसका सेटअप बॉक्स है। और ये ना फॉर्म मैंने बनाया, ये मैंने, ये ना पता, ये पूरा ना हो नहीं पा रहा था, तो मैंने इसकी कटिंग कर दी और इसको यहाँ पे सेट कर दिया, ताकि यहाँ पे आराम से सेफ रहे। और ये इसका, ये है नई टीवी का रिमोट, ये पुरानी टीवी का रिमोट, ये है होम थिएटर का रिमोट। और ये देखो, ये सोफ़ा सेट बन चुका है, ये सोफ़ा सेट बन गया, मैंने कटिंग करी और ये सोफ़ा बन गया। अच्छा लग रहा है ना, ठीक है? तो आप पसीना पसीना बहुत धुंधला सा आ रहा है ना, थोड़ा दूर आके, थोड़ा दूर आके। आप ले, मैं आपको बैक से दिखाती हूँ। देखो बैक से, देखो बैक से थोड़ा क्लियर आ रहेगा। और ये छोटा वाला टीवी, ये जो खराब हो गया, ये टीवी खराब एक दिन ही हुआ था, कि अगले दिन ही ये वाला टीवी आ गया। ये पता है डिजिटल टीवी है, यानी कि ये वाईफाई से भी चलता है, ये ऑफलाइन भी चलता है। और इस पर आप यूट्यूब और इससे पता नहीं क्या, यूट्यूब से फ़ोन, आप इस पर अपना फ़ोन भी चला सकते हो, यानी कि इससे बहुत सारी आपको सुविधाएं है। इससे आपकी, यानी कि डिजिटल टीवी है ये, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये आपके यूट्यूब चैनल के लिए भी काफ़ी बेस्ट होने वाला है। ये देखिए कितना क्लीन आ रहा है, और ये काफ़ी बड़ा है ये, और मुझे अभी बड़ी टीवी की आदत नहीं है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही। लेकिन मुझे कार्टून से इसमें देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यही देखना ज़्यादा पसंद आ रहा है। छोटा वाला तो बेचारा। तो ये डिजिटल टीवी बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत स्वीट लग रहा है, क्यूट लग रहा है, ठीक है? तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। कैसा लगा आपको मेरा टीवी?
अच्छा लगा ना, बहुत प्यारा है ना डिजिटल टीवी, क्यूट सा प्यारा सा स्वीट सा, और इस पर कार्टून्स देखना तो इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना मज़ा आ रहा है ना कार्टून्स देखने में, बस कार्टून्स के लिए अच्छा है ये टीवी। पहले तो मैं नहीं देखती, मुझे सीरियल से बहुत एलर्जी है, या तो मैं तारक मेहता देखती हूँ या फिर कार्टून्स देखती हूँ, मुझे कार्टून सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, तो मैं तो उसको देख रही हूँ। और फिर मैं, चलो फिर आज का व्लॉग नहीं ख़त्म करते, कल आपसे फिर मिलते हैं, ठीक है। यूँ ही बना रहे आपका हमारा साथ, हीरो की मुलाकात, मैं भी आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव फैलाते रहिए, एक दूसरे ख्याल पता रहिए, और एक दूसरे की खुशियों की वजह बने, ना कि उसकी दुख की, ठीक है। तो फिर चलते हैं, टाटा बाय 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 बाय, स्माइल 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 स्माइ